श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में हो रही हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार के चार दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ में आज महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा में के द्वारा कलश यात्रा का शुभारंभ जय श्री राम जय हनुमान जय बागेश्वर धाम के उद्घोष के साथ किया गया, जिसमें 1251 कलश सर पर धारण कर पीले वस्त्र पहन कलश यात्रा में सम्मिलित हुई, जिनके साथ काफी संख्या में हनुमान भक्त भी उपस्थित रहे। कथास्थल तक बड़ी मंदिर कथास्थल तक काफी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा, जिसमें बैंड डीजे एवं घोड़ा बगी भी शामिल रही, जिसमें आकर्षण की भूमिका में रही ढोल नगाड़े ने तो समा ही बांध दिया। शामिल कलश यात्रा में महिलाएं झूमती गाते की कथा स्थल पर पहुंचे, सभी ने अपने अपने कलशों को स्थापित किया और सभी राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर कथास्थल को राम में कर दिया। इसके पश्चात विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच पर बोलते हुए विनीत कुमार लोहिया ने उपस्थित सभी जन समूह का आभार व्यक्त किया और आगामी कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाकर राम की भक्ति में डूबने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार 18 मार्च को मुरादाबाद में पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे के बाद हनुमंत कथा का शुभारंभ कथा व्यास श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से शुरू होगा। इसके बाद 19 मार्च को सुबह 9 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्य दरबार के साथ होगा। उसके पश्चात दोपहर 2 बजे से भव्य हनुमंत कथा का आयोजन शुरू होगा। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पूरा प्रांगण भक्ति में तल्लीन हो गया और उपस्थित सभी जन समूह ने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री राम का जय घोष किया। उपस्थित रहे अंकुर अग्रवाल, अजय गुप्ता, राजीव अग्रवाल, करण सिंह, राजेश रस्तोगी, शुभम भारद्वाज, सचिन अग्रवाल, राजकुमार शर्मा, विनोद राय, इंगले शर्मा, नवनीत शर्मा, दिनेश सिसोदिया, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनोद राय, देवेंद्र ज्ञानेंद्र देव शर्मा, हरि गोपाल शर्मा, पंकज सक्सेना, विपिन कुमार, गौरव अग्रवाल, विनीत गुप्ता, आचार्य दीपक कृष्ण शास्त्री, राजेश श्रीवास्तव।
हनुमान कथा चूँकि 18-19-20 मार्च को हनुमान कथा का आयोजन बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज जो है कलश यात्रा का आयोजन किया। कहाँ से शुरू की गई थी, कहाँ तक ये कलश यात्रा? महाकालेश्वर धाम से शुरू की गई और ये कथा स्थल तक पहुँचे। क्या बोलना चाहते हैं मुरादाबाद के सभी नागरिकों से? मुरादाबाद के सभी नागरिकों को मेरा ये कहना है कि वो इस कथा को बड़े ध्यान से सुने और इस पूर्ण का लाभ उठाए। क्या बोलना चाहते हैं सर आज के मुरादाबाद के नागरिकों से, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ आगमन हो रहा है और ये हमारी जो बाबा नीम करौली का धाम है, यहाँ इनके हमारे अध्यक्ष अनिल शर्मा जी ये सब बधाई के पात्र हैं। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और मुरादाबाद के लोगों को बधाई और अपने ये ऐसा शुभ अवसर है कि इसमें पुण्य कमाएं और बाबा के दर्शन भी करें और उनके भागवत को भी मनाएं। क्या कर रहा है आज का आयोजन? आज श्री राम बलाई धाम बाबा नीम करौली यात्रा लोहिया मानव कल्याण के प्रस्तुत धाम में कार्य चल रहा है। बागेश्वर धाम का जो भव्य 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। जो हमारे हिंदू धर्म में जाते हैं कलश यात्रा का शुभ आरंभ करके यहाँ पर कथा स्थल पर एक कथा यहाँ पर होगी जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। बड़ा भव्य जोर तोर से लोगों का बड़ा उल्लास है, बड़ा जोर तोर से मान क्या टाइम में रहेगा कथा का? कथा का 2 बजे से 18 तारीख से 2 बजे से 7 बजे तक शुभारंभ रहेगा और 20 तारीख को भव्य दरबार लगेगा और सुबह 9 बजे से प्रातः 9 बजे और 2 बजे से हनुमत कथा होगी। तो 3 दिन के हमारे कार्यक्रम इस प्रकार चलेंगे। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से और श्री राम बलाई धाम बाबा निकल सेक्टर 6 के सामने स्थान जो यहाँ पर है इसमें आप सब लोग आए और लोहिया स्टेट सेक्टर 6 नया मुरादाबाद में ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं बहुत भव्य तरीके से सब लोगों ने उल्लास के साथ आस्था के साथ सब लोगों ने मनाया। जय श्री राम, जय बाबा जी।